मेरे मैं छोटे लाल वर्मा और विधायक फतेहाबाद आगरा। मोबाइल वीडियो देखने से पता चला है कि मेरे द्वारा पुराना वीडियो को किसी विरोधी ने निकाल कर तोड़ मरोड़ करके अभद्र भाषा का वीडियो वायरल कर रहे हैं। वह निराधार झूठा है और फर्जी है। मेरे द्वारा किसी भी समाज व्यक्ति के खिलाफ मैंने कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। कुछ विरोधी तक मेरे सामने तक बढ़ती हुई लोकप्रियता को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं सभी समाज का सम्मान करता हूं और विशेष व्यक्ति का भी सम्मान करता हूं। राजनीति का चुनाव नजदीक है, इसलिए किसी ने जानबूझ किया जा रहा है। अगर मेरे द्वारा कोई इस प्रकार का कोई गलत शब्द नहीं कहा गया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा आए कि फतेहाबाद से बीजेपी से आप प्रमुख दावेदार हैं, क्या इसे लेकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस तरह छवि समाज में खराब हो? ये सच्चाई का पता चल जाएगा, जनता निर्णय करेगी और पार्टियां निर्णय करेंगी कि किस पहले व्यक्ति को टिकट देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव जब जब आते हैं और जब जब हम जैसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति की राजनीति को हम लोग आगे लाते हैं और लोग उसको प्रयास करके धूमिल करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम लोग विश्वास नहीं करते हैं गलत काम में, हम सच्चे काम में विश्वास करते हैं, सच्चाई पे हमेशा ध्यान देकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियो है जो कब का लगता है आपको, आपने भी देखा होगा जो कि मैंने देखा है, मेरी तो उसमें कौन सा तमाम रात को मेरी मुरजाला तमाम मीडिया वालों से बात हुई, उसने किसी ने वीडियो में कुछ नहीं मुझे दिखाई देता है न सुनाई देता है न कहीं कुछ है। और मैंने जब ही तो कहा है कि इसको राजनीतिक तत्वों ने विरोधियों ने तोड़ मरोड़ के इसको किया गया होगा, मेरे द्वारा ऐसा कोई नहीं कहा गया है। विशेष समाज वर्गों में जिस तरह से लेके इसे चिंगारी दी जा रही है तो क्या मैसेज है समाज के लोगों से, क्या कहना? मैं समाज का ब्राह्मणों वाली बात करते है। मैं 2009 में माननीय ब्राह्मणों के साथ रहा था, माननीय सीमा उपाध्याय को लोकसभा में चुनाव जीतने का काम किया था। सभी ब्राह्मण समाज एक था और एक रहेगा, और जो कुछ सामाजिक व्यक्ति समाजों को हानि पहुंचाना चाहते हैं ऐसे तब तो ये विरोधी पक्ष एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं।